आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। साल 2021 जनगणना में ओबीसी पिछड़ा वर्ग की गणना लोकतांत्रिक तरीके से कराने की मांग को लेकर समाज सेवक चंद्रशेखर पंडोले 7 दिवसीय अर्ध नग्र साइकिल यात्रा शुरू की। श्री पंडोले 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक बैतूल जिले के ग्राम जम्बाड़ा, बोरदेही, खेड़ली, बाजार, मुलताई, पट्टन, मासोद, आठनेर, बैतूल, सारणी होते हुए 7 दिनों में आमला पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण में 1 जनवरी 2021 को आमला से दिल्ली के लिए अर्ध नग्र साइकिल यात्रा और 22 जनवरी 2021 को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। श्री पंडोले की मांग है कि वर्ष 2021 जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़कर जातिगत जनगणना की जाए। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस जाति प्रधान देश में चार वर्ग बनाए, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में बहुसंख्यक वर्ग ओबीसी को आरक्षण के लिए 340 आर्टिकल बनाया, अनुसूचित जाति के लिए 341 आर्टिकल बनाया और अनुसूचित जनजाति के लिए 342 आर्टिकल बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि उस समय की सरकार ने ओबीसी की जनगणना नहीं की और हिस्सेदारी नहीं दी, इसलिए दुखी होकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज 70 साल हो गए, आज तक ओबीसी की जाति गणना नहीं की गई। ये 2021 जनगणना वर्ष है और फरवरी में जनगणना चालू हो जाएगी। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय बोबड़े साहब ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जवाब मांगा 4 सप्ताह का कि जो 2021 के जनगणना फार्म है उसमें ओबीसी के कालम क्यों नहीं रखी। तो आप चाहते कि जातिगत जनगणना हो? ओबीसी की जातिगत जनगणना होना चाहिए। आमला से दिलीप पाल की रिपोर्ट।